पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तू। द बॉयज़ सीजन 4 जैसा भी हो, लेकिन सीजन 4 का लास्ट एपिसोड सीजन 5 को सेटअप करता है और सीजन 5 में तबाही और मैडनेस का नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन सीजन 5 देखने के लिए आपको 2 साल वेट करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट साल जनवरी का सीजन 2 आने वाला है। लेकिन टेंशन ना लो, सीजन 5 में क्या होगा ये तुम्हारा भाई अभी बता देगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में द बॉयज की पॉसिबल एंडिंग डिस्कस करेंगे और आखिरी सीजन में होमलैंडर और बुचर का एंड कैसे होगा, क्या बुचर कैंसर से मरेगा और यहाँ ह्यूई और फ्रेंची को कहाँ किडनैप किया है, चलिए देखते हैं। तो भाई, मैंने बुचर के टेंटाकल वाले सुपर पावर के बारे में फिनाले एपिसोड रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले ही एक्सप्लेन किया था, और ये कैंसर टेंटाकल्स के पावर्स बुचर को द बॉयज यूनिवर्स का 3rd मोस्ट पावरफुल इंसान बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ भी मिलता है जब न्यूमन मरने से पहले बुचर का हेड पॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। ये क्लियरली तुम न्यूमन के आंखों में देख सकते हो। तो बुचर अगर 3rd पावरफुल पर्सन है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल होमलैंडर का बाप सोल्जर बॉय है, जिसके पास होमलैंडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स है, और 2nd नंबर पे ऑफकोर्स होमलैंडर ही है। और भाई, मजे की बात तो यह है कि सीजन 5 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहां बुचर का ये पिक सामने आया है। यहां बुचर के हाथ में वही आइकॉनिक वेपन है जो सेम द बॉयज के कॉमिक्स में था, जहां होमलैंडर और ब्लैक नोयर की फाइट होने के बाद होमलैंडर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 5 में होमलैंडर और सोल्जर बॉय की बहुत ही बढ़िया सी फाइट होने वाली है, जिसमें होमलैंडर बहुत ही बुरी तरीके से घायल होगा, और तब होगी बुचर और होमलैंडर की फाइट। और बुचर सीजन 5 के लास्ट में होमलैंडर के दिमाग को बिल्कुल वैसे ही खोलेगा जैसे उसने कॉमिक्स में किया था, और बुचर के कंपाउंड वी वाले कैंसर को ठीक करने के लिए ह्यूई उस पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ वायरस शूट करेगा, जिससे बुचर का कैंसर ठीक हो जाएगा और बुचर की मौत टल जाएगी। तो भाई, इतनी सारी मैडनेस अगर सीजन 5 में हुई है, तो सीजन 5 में हमें अगर एशली का शी हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाए और उसके बाद एक वर्क सीन दिखाया जाए, तो मजा ही आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, द बॉयज के लास्ट सीजन में कौन से कैरेक्टर पक्का मरेंगे? मैं पर्सनली ए ट्रेन की सैक्रिफाइस डेथ को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।